अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके साथ कोलकाता के रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन रिजाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। चिकन रिजाला एक शाही डिश है, इसलिए इसकी ग्रेवी जो होती है बहुत ही रिच और क्रीमी होती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। कोलकाता के हर रेस्टोरेंट के मेनू में आपको ये चिकन रिजाला की रेसिपी मिल जाएगी। आप इसे रोटी, पराठे, नान किसी के साथ भी खाइए, सभी के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आइए फिर देख लेते हैं इस चिकन रिजाला को कैसे बनाना है और उसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसको मैंने पेस्ट बना लिया है। 15 से 20 काजू लिया है, तो कुछ देर पहले भिगो दिया था। 1 टेबल स्पून हमने लिया है खसखस, इसको भी कुछ देर पहले मैंने भिगो दिया था। तो सबसे पहले हमें काजू और खसखस का पेस्ट बनाना है। तो ग्राइंडिंग जार में हमने दोनों चीज़ों को डाल दिया, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो अब इसे रखते हैं साइड पर। कुछ खड़े गरम मसाले हम लेंगे, जिसमें 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 6 से 7 काली मिर्च है। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हमने लिया है 800 ग्राम चिकन, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून डालेंगे क्रश की हुई हरी मिर्च, 1 टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टी स्पून हम इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्चों का पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी इसमें डाल सकती हैं। और साथ ही डाल देंगे 1 कप दही, ये प्लेन दही है। इसे अच्छे से हमने बीट करके इसमें डाल दिया है। सारी चीज़ों को हाथों की हेल्प से अच्छे से मिला देंगे। तो हमने सारी चीज़ों को मिला दिया है। अब डाल देते हैं 1 टी स्पून गर्म मसाला पाउडर और इसे भी चिकन के साथ अच्छे से मिला देंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी तब हम इसे ढककर लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। जितना देर आप इसे मैरिनेट करेंगे ये उतना ही टेस्टी बनेगा। तो आधा घंटा हो गया, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए गैस से मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया है और इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून घी और 1/4 कप ऑयल। हम दोनों चीज़ों को मिलाकर बनाएंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम खड़े गर्म मसाले इसमें डाल देंगे और 1-2 सेकंड इसे क्रैकल होने देंगे। बहुत ज़्यादा हमें मिर्ची का कलर चेंज नहीं करना है। अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज का पेस्ट। तो 3 बड़े साइज़ का प्याज हमने लिया था और इसे ग्राइंड कर लिया था। मीडियम फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि प्याज का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। हमें इसे कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, नहीं तो रिजाला का कलर जो है वो काला पड़ जाएगा। थोड़ी देर हमने प्याज को अच्छे से भून लिया है। आप देख सकती हैं इसमें गुलाबी कलर आ गया है। तो मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसमें डाल देते हैं और गैस के फ्लेम को हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे लगातार जब इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। जब हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन डाला था तो गैस के फ्लेम को हमने एकदम लो कर दिया था, क्योंकि इसमें दही है। जब अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद गैस के फ्लेम को हम हाई कर देंगे। 3 से 4 मिनट हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसे कवर कर देते हैं और कवर करके इसे लगभग 10 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब देख सकती हैं दही ने कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है और दही के पानी में ये पक रहा था। तो हमने लो फ्लेम पर इसे 10 मिनट तक अच्छे से पका लिया है और ये हाफ डन हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं काजू और खसखस का पेस्ट, जिसको हमने ग्राइंड करके रखा था, और साथ ही हम थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं मखाना डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून शुगर, क्योंकि चिकन रिजाला जो बनता है वो थोड़ा मीठा पे होता है। तो चीनी डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहती हैं तो इसमें डालिए और स्किप कर दीजिएगा। और साथ ही डाल देते हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला। सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसे कवर करके हम 10 मिनट और लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे।
ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर चिकन के अंदर अच्छे से आ जाए और चिकन में जो कसर है वो भी अच्छे से पक जाए। तो 10 मिनट के बाद हमारा चिकन रिज़ाला बनके तैयार है। चलिए इसे खोल के देखते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन रिज़ाला बनके तैयार है। तो आइए अब इसे सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से गल गया है, चिकन ने बोन छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसको और फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमने यहाँ पे डाला है 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब हम इसमें कवर कर देते हैं और कवर करने के लिए 2 मिनट करके छोड़ देते हैं ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है चिकन के अंदर अच्छे से आ जाए। तो अब 2 मिनट के बाद चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन रिज़ाला बनके तैयार है। आप इसे रोटी, पराठे, नान, कुलचा किसी के साथ भी खाइए दोस्तों, सभी के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसे फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।